जो मॉलिक्यूल दिए थे वो वन बाय वन बताओ। सबसे पहले था H2O, H2O में संकरण आया होगा sp3, यस और नो? और संरचना इसकी क्या है? Ab2, और संकरण कितने वाला है? चार वाला। तो बंद कौन कितना, लोन पेयर कितने हो गए? दो हो गए, ठीक है जी। तो ये हो गया Ab2E2, और Ab2E2 की आकृति कैसी थी? वी शेप। हाँ जी, किसी का गलत है तो बता दो, डिटेल बता देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओके रिपोर्ट, अगला बताओ। कितनी देर थोड़ा लगाते हैं यार। XeO3 यही है? हाँ जी, वो तो एक ही बात है यार, उधर घूमूंगा तो फिर उधर हो जाएगा। हाँ जी, XeO3 की अगर आप लोग बात करते हो तो XeO3 के अंदर संकरण आया होगा, इसमें भी sp3, यस और नो? sp3 के आधार पे अगर मैं बनाता हूं तो ab3 बनेगा। बंद कितने बनने चाहिए थे? बने कितने? लोन पेयर, आकृति पिरामिड है। किसी का गलत है तो बता देना भाई। अगला बोलो, ये बता दूं, भारी कोश में कितने हैं? आठ। पड़ोसी कितने हैं? जीरो। पड़ोसी कितने हैं? आठ का आधा, चार वाला संकरण हो गया। बस इतना ही बढ़ा रहा था मुझे। हाँ बता दूंगा, एक मिनट लगेगा इसलिए पूछ लेना किसी का गलत हो तो। और बोल अगला। BeCl2 संकरण आया होगा sp, कितने वाला संकरण है? दो वाला। बंद भी कितने बने? जैसी संरचना है वैसी होगी, कौन सी? लीनियर। कोई बात नहीं, आज घर जाके भी करेंगे क्योंकि अब तो आंसर मिल रहे हैं, है ना। हाँ अगला कौन सा है? IF7। IF7 में संकरण आया होगा sp3d3, कितने वाला संकरण है? सात वाला, एक ही था सात वाला, तो ऑब्वियस बात है Ab7। लोन पेयर एक भी नहीं है, पंचभुजीय द्वि पिरामिड है, पेंटागोनल और बाय पिरामिडल। ओके जी, अगला बोलो। XE, पता नहीं क्या करते हैं यार, पता ही नहीं क्या करते हैं, एक जना कुछ बोल रहा है, दूसरा जना कुछ बोल रहा है, एक ही जना बोलो। XeOF4 संकरण आया होगा इसका sp3d2, sp3d2। हाँ कितने हैं? XE के साथ कितने हैं? अगर XE को A मान लो तो आंसर है Ab5। AB5, A ये रहा, B कितने हैं? चार और ये पांच, Ab5। ये सर लो, तो डरने की जरूरत नहीं थी, पर थोड़ा सा था टिपिकल इसलिए मैंने दे दिया। तो Ab5 और लास्ट एंड फाइनल। हाँ जी, बंद कितने बनने थे? छह। बने कितने? पांच। एक वाला क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर। हाँ अब देख लो, जिनको दिक्कत आई, जिनोन के भारी कोश में आठ, पड़ोसी कितने हैं? चार ही हैं। ओ को आठ और चार, बारह का आधा, छह वाला संकरण। कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये बताना था ab5, क्योंकि ए कौन है? सेंट्रल, जो सेंटर में है। और बोलो जी अगला, IF5, ये इसके बाद ही दे दिए मैंने, सेम आंसर है। sp3d2 कितने वाला है जी? छह वाला, मैंने ऐसे नहीं दिए थे, तू गलत बोल रही है सीक्वेंस, ऐसे नहीं दिए मैंने, मैं कभी दो साथ देता ही नहीं कभी भी, तेरे को या तो लिखने नहीं आए या तेरे को बोलने नहीं आए। हाँ इसके बीच में कोई जरूर होएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई नहीं, मेरे को भी चेक करने दो, मेरी भी तसल्ली करने दो। IF7 के बाद था BF4 नेगेटिव, जो तू बोल नहीं पाई, ये देख ये रहा। चलो अब फिलहाल तो कर देता हूं, भारी कोश में सात, सात और पांच बारह, बारह का आधा, बोलो बोलो बोलो, क्या अणु की संरचना है? Ab5, लेकिन बंद कितने बनने थे? बने कितने? पांच। Ab5E कर जाके देखोगे तो फिर से स्क्वायर पिरामिडल, बिल्कुल, जो चीज नहीं बदलेगी वो नहीं ही बदलेगी। उसके बाद में अगला कौन है? XeOF4 हो चुका है, IF5 भी हो चुका है, बीच में ये छोड़ के बैठी है BF4 नेगेटिव, BF4, हाँ जी माइनस वाला ये। हाँ संकरण कौन सा आया इसका? sp3, कितने वाला? चार वाला। बंद भी कितने बन रहे हैं? चार में से चार गए,
जीरो, कोई लोन पेयर नहीं है। वैसे भी मैंने कहा था आयन का सीधा लिख देना, आयन वाले में जो आंसर आए वो सीधा लिख दो बस। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे आता है TeCl4, क्या आ गया? हाँ ये थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इसके लिए तुम्हें टेलोरियम की जगह चाहिए थी। टेबल याद हुई क्या? ओ सस्सी टीपो याद आ गया। हाँ तो ये TE कहाँ का है? TE ऑक्सीजन फैमिली का है। बारी कोश में कितने? बारी कोश में कितने? बारी कोश में कितने? जब तेरे छे तो पूरे खानदान के, तो बारी कोश में छे, पड़ोसी कितने? चार, छे और चार दस का आधा, पांच वाला संकरण, तो संकरण कितने वाला है? पांच वाला। लेकिन बंद कितने बन रहे हैं? चार। तो घर जाके अगर देखोगे, हाँ जिनको याद है उन्होंने बोल दिया सीसो, बाकी बैठे हुए आराम से। उसके बाद अमोनिया, अमोनिया का संकरण निकला होगा sp3। हाँ संकरण कितने वाला है? चार वाला। बंद कितने बन रहे हैं? तीन, और एक क्या होएगा? लोन पेयर। और ये मैं पीछे भी लिखा चुका हूँ, पिरामिड ही है ये रहा AB3E। क्या लिखा हुआ है? तो तू पिरामिड है तो मैं भी पिरामिड ही है। यस और नो? उसके बाद में अगला अणु है CO2। लो जी CO2 के अंदर संकरण आया होगा sp, कितने वाला? दो वाला। बंद भी कितने बन रही है? दो। आकृति कैसी हो जाएगी? लीनियर। पूछ लेना कि गलत हो तो किसी का। PCl5, PCl5 में संकरण आया होगा पांच वाला, और बंद भी कितने बन रहे हैं? पांच। पांच में पांच गए जीरो। आकृति त्रिभुजीय द्वि पिरामिड है, त्रिभुजीय द्वि पिरामिड है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। फिर आएगा जी आपके पास PCl3, इसी का जुड़वा। संकरण कौन सा है? sp3, कितने वाला? चार वाला। बंद कितने बने? तीन। लोन पेयर कितने? एक। एक एक मिनट का मैं देखो, अगर याद हो तो सब कुछ एक मिनट, और नहीं पढ़ते हो नहीं प्रैक्टिस है तो अब आज बोलू बने हो गए। ठीक है जी, बोलू बन गए, चुपचाप बैठे हो। AB3 और बंद बनने थे चार, बने कितने? तीन। और फिर से मैं क्या लिख दूंगा? बिल्कुल पिरामिड है, मैं नहीं बदलूंगा। फिर है मिथेन, हाँ जी संकरण आया होगा sp3, कौन सा आया होगा? sp3 का मतलब संकरण कितने वाला? मेरे पास बंद भी कितने हैं? चार में से चार गए, कोई लोन पेयर नहीं है, तो आकृति कैसी हो जाएगी? चतुष्फलकीय है। फिर उसके बाद आया होगा sf6, संकरण आया होगा sp3d2, कितने वाला? छह वाला। उसके बाद संरचना भी छह वाली, हाँ जी कोई गड़बड़ नहीं है, तो संरचना क्या होगी? अष्टफलकीय है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है BrCl3, कौन आता है? हाँ ब्रोमीन को जानते हो, किसका भाई है ब्रोमीन? क्लोरीन का। क्लोरीन के भारी कोश में सात, तो मेरे भी सात और तीन दस, दस का आधा पांच वाला संकरण। अब संरचना क्या होनी चाहिए? AB3 AB, पर है कितनी? तो लोन पेयर कितने? घर जाके संरचना देखोगे तो कौन सी है? और मैं बता देता हूँ आधी क्लास को संरचना आज भी याद नहीं होगी, आधी से ज्यादा को, प्रॉमिस है इस बात का। खड़ा कर दूं अगर मैं, क्या करके पूछने लग जाऊं कि ये वाली कौन सी, तो नहीं बता पाओगे। ये आपका काम है, मैं बता रहा हूँ संरचना को याद करना। मैंने कल समझाई थी, याद नहीं करवाई थी, रट्टा नहीं मारने के लिए कहा था, मैंने बताया था भी ऐसे हटा दोगे तो ऐसे बन जाएगी, जबकि कोई टीचर ये नहीं कहता, हर कोई टीचर कहता है AB3E2T होती है, याद कर ले। मैंने बताया था टी क्यों होती है, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अब उसके बाद में अगला कौन है? कार्बोनेट। कार्बोनेट के अंदर संकरण आया होगा sp2, कौन सा? हाँ sp2 आया होगा, और आकृति कैसी हो जाएगी? AB3। sp2 का मतलब तीन वाला, और तीन के हिसाब से आकृति भी सेम, तो प्लेनर ट्राइगोनल, प्लेनर समतल त्रिभुजी है, समतल त्रिभुजी, बिल्कुल। अभी बात कर लेते हैं दोबारा, कोई बात नहीं। उसके बाद में XeF6 संकरण आया होगा sp3d3 यानी कि सात वाला, जबकि बंद कितने बने? छह। एक क्या है? विकृत चतुष्फलकीय, डिस्टोर्टेड ओक्टा हेड्रल। उसके बाद में अगला कौन सा है? BCl3, संकरण आया होगा sp2, कितने वाला? तीन वाला। बंद भी कितने बने? तीन, तो ऊपर लिखी पड़ी है प्लेनर
ट्राइगोनल, बिल्कुल समतल त्रिभुजीय। फिर है एक्स ए फोर, एक्स ई संकरण आया होगा पांच वाला, एस पी थ्री डी बंद कितने बने चार, एक क्या हो गया लोन पेयर, और अभी दो मिनट पहले बता के आया था कहीं पे कहाँ गया, ये रहा ए बी फोर सी, क्या हो जाएगी जो है वो है, ठीक है जी, नहीं छह और चार दस, ठीक है ओके। उसके बाद में नाइट्रेट, नाइट्रेट में संकरण आया होगा एस पी टू, आकृति तीन वाली, तीन वाली आकृति कई बार लिख चुका हूँ, ये देखो ये लिखी पड़ी, हाँ छ आएगा क्या, तो फिर ये छह के हिसाब से ई टू हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। देखो दो बच्चों को ही पता है बाकियों को नहीं पता, स्क्वायर प्लेनर क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर मतलब समतल, हाँ जी वर्गाकार, समतल वर्गाकार। एनओ थ्री में ए बी थ्री, ए बी थ्री क्या होता है प्लेनर ट्राइगोनल। फिर है सल्फेट, सल्फेट में आया होगा संकरण एस पी थ्री, कितने वाला ए बी फोर चार वाला, ए बी फोर के हिसाब से हाँ जी क्या हो जाएगी टेट्रा हेड्रल हो गए। और लास्ट जो बचे हैं आपके पास एस एफ फोर, ये लो जी एस एफ फोर में सीसो होती है, पांच वाला संकरण एस पी थ्री डी, और एस पी थ्री डी के हिसाब से ए बी फोर ई, और ए बी फोर ई क्या होता है सीसो होता है। बस नाइट्रेट में सेम आया होगा एस पी टू। अब जिसको जोन सा भी नहीं आता ईमानदारी से बता दो, मैं बता दूंगा प्रॉमिस, कोई मना नहीं है। और भाई साहब जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं पूछेगा, क्योंकि वो डर के मारे पूछ भी नहीं सकता, है ना, जिसने किया ही नहीं वो क्या पूछेगा, जो घर जा करके प्रधानमंत्री बन गया। कल लेट तो नहीं आया होगा, ये वाला जो काम था लेट आया था कि हाथों हाथ आ गया था, खाना तो बोल दो हाथों हाथ आ गया था, फिर तो हो जाना चाहिए था ये काम। ईमानदारी की बात है कॉपियां चेक कर लूं तो आधी क्लास या तो कॉपी घर भुलाई होगी और या किया नहीं होगा, ये प्रैक्टिस मांग रहा था। हाँ बोल बेटे कौन सा नहीं आया, देख बी आर में ब्रोमिन है, ब्रोमिन किसका भाई है क्लोरीन का, याद है एलोजन फसल हो गई थी बड़ी, फिर तूने कट की बजाय क्या बोला था आठ, फ्लोरीन तो जानता है क्या नंबर है फ्लोरीन का, बोल नौ नंबर, बारी कोश में कितने, हाँ सात, नहीं घबराना नहीं है इससे, इससे घबरा गया तो फिर पीपनी वैसे बच जाएगी। ये देख यहां दिखा रहा हूं तेरे को लिख के, फ्लोरीन का भाई क्लोरीन का पापा ब्रोमीन का दादा आयोडीन है ना, कपड़ दादा एस्टेटीन, फसल बड़ी कट की बजाय क्या था अट, तेरे पास नौ और सॉरी सात भारी कोश में, तो पूरे खानदान के पास सात, बिल्कुल। जो तूने जय हनुमान बोलना है तो पापा ने भी जय हनुमान बोलना है, दादा ने भी, लकड़ दादा पड़दादा जो भी है उन्होंने भी जय श्री राम, है ना। ये नहीं होता कि तू जय श्री राम कर रहा है, वो वाहेगुरु कर रहा है, वो अल्लाह अल्लाह अकबर कर रहा है, एक कैसे कर रहा है जीसस, है ना, वो जीसस है ना, ऐसा नहीं होता। एक घर में बच्चे क्या होते हैं, हाँ एक जैसी प्रॉपर्टी वाले होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल पूछो, कोई मना नहीं है। अब देख बारी कोश में थे सात, पड़ोसी कितने हैं, सात और तीन दस का आधा, पांच वाला संकरण, बस हो गया। अब इधर आ जा ये वाला, हाँ जी केंद्रीय कौन है, ओ बारी कोश में छह, पड़ोसी कितने हैं छह और दो आठ का आधा, चार वाला संकरण। इनमें सबसे मुश्किल ये वाला था, बस बाकी कोई मुश्किल नहीं था मेरे साथ, क्योंकि मैंने कल जिनोन के लिए बता दिया था कि जिनोन के बारी कोश में कितने होते हैं आठ होते हैं। अरे अब तुम फिट एंड फाइन हो, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए संरचना में से, इससे बाहर आ जाए तो बता देना। अब बच्चे भी कहते हैं कि कहां से बाहर आएगा, साले ने तीस तीस तो करा दिए है ना, अब और कौन सा बच गया है ना। तो बता देता हूं अणु तीस नहीं है, अणु तो तीस हजार है, तो तीस हजार का मतलब अभी और भी पड़े हैं, पर जो डर गया वो घर गया। यस और नो, हाँ आप जा सकते हैं नमस्ते, सही है ना। तो इसलिए डरने से बढ़िया ये है कि इनको कर लो। क्या संरचना इतनी सारी थी कि मैं याद नहीं कर पाया, जल्दी बोलो। मैंने याद नहीं करनी सिखाई थी, मैंने तुम लोगों को पूरा का पूरा समझा दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया। याद करवाना तो रट्टे मरवाना होता है कि ए बी थ्री या ए बी टू रेखीय है तो है, रट ले भाई ए बी टू रेखीय होता है। लेकिन मैंने क्या पढ़ाया मेरे बच्चों को,
कि जरूरी नहीं है कि अगर ए बी टू रेखीय है तो वो रेखीय क्यों है ना। अगर आज मैं बात कर रहा हूं सीओ टू की, तो सीओ टू कैसा है, ये रहा सी, ये रहा ओ और ये रहा ओ, सीओ टू कैसा है, लीनियर। क्यों? हाँ, क्योंकि बंद युग्म प्रतिकर्षित करते हैं। अगर सीओ टू रेखीय है तो एसओ टू भी रेखीय होगा, जरूरी नहीं है। चेक कर लेते हैं, आज एसओ टू से मैंने क्या पूछा, क्या तू ए बी टू है, कैसा, हाँ हूं। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, लोन पेयर तो चेक कर, क्या चेक करवा रहा है, करो चेक। बारी कोश में सारे बोलो, पड़ोसी कितने हैं, जीरो, पड़ोसी है ही नहीं, तुझे दिख रहे हैं वो तेरी समस्या है, हमें नहीं दिख रहे। हाँ, छह का आधा तीन वाला संकरण एसपी टू, बंद कितने बनने चाहिए थे, तेरे बंद बने कितने, तो क्या अब तू लीनियर होगा, तो जवाब है मैं बेंट शेप होऊंगा या वी शेप होऊंगा या कोणीय होऊंगा, तीन नाम है इसके, बेंट शेप, वी शेप या एंगुलर, हिंदी में कोणीय है, समझ आ गया। तो क्या डरना है, इतना डरना भी क्या है दुनिया से, जो भी होना है वो तो होना है ना। चलिए जी आ जाओ, इसलिए थोड़ा सा डरने की बजाय समझने पे फोकस करें। अगला टॉपिक क्या है देखना फटाफट, है किसी के पास सिलेबस, निकालो निकालो फटाफट, मोबाइल नहीं निकालना, सिलेबस चाहिए प्रिंटेड किसी के पास है तो, मोबाइल तो मेरे पास भी है, एक जना सिलेबस लिया करो यार, रोज ही मांगता हूं मैं। चलो जी अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, आवाज को बंद करके बिल्कुल। चलिए लास्ट आप लोगों के पास टॉपिक जो हुआ है वो है वेस्पर थ्योरी, करवा दिया वेस्पर थ्योरी के बाद में हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया, अब रह गया हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडरवाल बॉन्ड, ये दो बॉन्ड रह गए। ठीक है, सबसे पहले मैं वांडरवाल बॉन्ड पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, दो दो मिनट में समझा देता हूं क्या होता है वांडरवाल बॉन्ड। तो वांडरवाल बॉन्ड का मतलब क्या और इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा देख लेना, इतना हर बच्चे को पता लग गया होगा मॉलिक्यूल सिर्फ दो टाइप के होते हैं। अगर मैं H और H को अध्रुवीय बोल रहा हूं तो किसी को एतराज तो नहीं है, पूछ लेना अगर हो तो, बिल्कुल सर मुझे है बताओ कैसे, इंग्लिश में क्या होता है नॉन पोलर, तू भी H मैं भी H, इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे, क्योंकि तेरी और मेरी ताकत बराबर है। लेकिन अगर मैं HCl की बात करूं तो क्या ये कंडीशन आ जाएगी, इसको बोलेंगे पोलर, और पोलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कितने बच्चों को पता है कि ये दो चीज के हैं। तीसरे नंबर पे होता है आयन, क्या होता है, या तो जिसकी टांट पे माइनस हो और या जिसकी टांट पे, बस अगर आपको वांडरवाल बंद समझने हैं तो इन तीन चीजों की जरूरत है, पोलर नॉन पोलर और आयन। अगर नॉलेज नहीं है तो हाथ ऊपर कर लो, बिल्कुल बताऊंगा ये नॉन पोलर क्यों क्लियर है, ये पोलर क्यों क्लियर है। अब पॉइंट नंबर एक, हाँ नो सर कौन बोल रहा है, हाथ ऊपर क्या करो ना, बीच में से धीरे से नो सर, या तो हाथ ऊपर करो, बीच में से नो सर बोलने का क्या मीनिंग है, हाथ ऊपर करो, बताता हूं कैसे है नॉन पोलर या पोलर। ये दोनों एक जैसे हैं, ताकत बराबर है, इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, गुंडे बढ़ाए थे चार, कितने थे, ये रहा गुंडा, फोन कॉल का कॉल, गुंडा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा जिससे आप पे प्लस और माइनस आ जाएगा। अब पॉइंट नंबर एक आया, किसी ने बोला बॉन्ड क्यों बनते हैं, तो जवाब है क्योंकि कोश खाली थे, यस और नो, ठीक है जी, एक मेरे पास कम था, एक क्लोरीन के पास कम था, और कम था तो हमने बॉन्ड बना लिया, यस और नो। ये है अणु, मेरा भी पेट भरा हुआ है, तेरा भी पेट भरा हुआ है, क्या अब हम बॉन्ड बनाएंगे, हाँ बिल्कुल। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया वांडरवाल का, क्यों, वांडरवाल कहता अणु भी बंध बनाएंगे, तो लोगों ने पूछ लिया कैसे बनाएंगे, इसका भी पेट भरा हुआ है इसका भी, क्या पेट भरने के बाद रोटी खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, सिंपल सवाल। लेकिन क्या मैं पेट भरने के बाद मीठा खाऊंगा, हाँ गुड़ तो जरूर खाऊंगा, यस और नो। तो इसका मतलब अणु भी बंध बना लेते हैं,
लेकिन कल को तेरे को रोटी तो मिलगी लेकिन गुड़ मर जाएगी, तू गला पकड़ लेगी मरने वाली, और गुड़ ला दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मीठा ला दो। हाँ, क्या गुड़ खाना जरूरी ही है? इसका मतलब अणु बंध बनाएंगे ये जरूरी नहीं है। और ये बंध एक्स्ट्रा बंध होते हैं जो कि दुर्बल होते हैं। क्या होते हैं? गुड़ मिल गयो तो बढ़िया है, कोनी मिलो तो कोई बात कोनी, रोटी तो मिल गई भाई, है ना। तो अणु बंध बनाते हैं क्योंकि उनके ऊपर आवेश आता है। आज वांडरवाल ने कहा पता है क्यों बंध बना? क्योंकि इन पे चार्ज आ गया। आज ध्यान से देखो वांडरवाल की बात, बिल्कुल सही बात थी। HCl अणु है, एक पड़ोसी HCl और बैठा था, तो हमने पूछा कि कैसे बंध बना लिया। कहता Cl दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। मैं कहा जिससे इनकी टांट पे क्या आएगा, इधर भी क्या आएगा, अब तेरी टांट पे प्लस और मेरी टांट पे, क्या हमारे बीच में बंध बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। इस एक्स्ट्रा बंध को उसने अपने नाम पे दे दिया, क्या? तो अणुओं के बीच में या उदासीन परमाणुओं के बीच में जो बंध बनता है वो कौन सा होता है? याद रह जाएगी? हाँ, तो याद रखना इस बात को। उदासीन का मतलब न्यूट्रल, ठीक है जी। अणु सारे बच्चों को पता है मॉलिक्यूल, परमाणु भी सबको पता है एटम, के मध्य बना बंध बराबर, बोलो बोलो, वान डर वाल बंध। अब ये कितने प्रकार के हैं? पांच प्रकार के। कितने प्रकार के? क्योंकि मुझे वो प्रकार चाहिए। बाढ़ में जाए, ये जो पिछली डेफिनेशन थी बाढ़ में जाए, पेपर में सवाल क्या आएगा वो सुनिए। ये बंध पांच प्रकार के हैं, पांच टाइप। पहला बंध था जी किसके बीच में बनने वाला, इसको बोलते हैं आयन द्विध्रुव वांडरवाल बंध। क्या बोला? आयन द्विध्रुव वांडरवाल बंध, इंग्लिश में आयन डाइपोल, आयन डाइपोल वांडरवाल बूंद, ठीक है। नाम से पता लग रहा है किस किसके बीच में बनेगा। एक तो आयन, एक तो आयन। दूसरा द्विध्रुव, क्या ये द्विध्रुव है? तो सर यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, ध्रुवीय को, बोलो बोलो, डाइपोल बोल रहे हैं। क्यों है ये द्विध्रुव? क्योंकि इसकी टांट पे दो ध्रुव दिख रहे हैं, एक प्लस ध्रुव और एक, इसका मतलब मैं ध्रुवीय को एक नया नाम दे रहा हूं, और वो नया नाम क्या है? तो बस फिर अब मेरा बच्चा देखते ही बता देगा ये वांडरवाल बंध किसके बीच में। एक बंदा क्या होना चाहिए? आयन। दूसरा, जैसे मैंने नमक को पानी में डाला तो क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, घुल गया, वो तो मुझे ही पता है, लेकिन नमक का सूत्र क्या है? क्या हुआ पानी में डालते ही? दिखा देता हूं, Na पे प्लस आ गया, ये आयन है, और Cl पे माइनस आ गया, घुल के अलग अलग हो गए। पता है ना आयनित हो जाता है नमक जल में, पता है कई बार आयोनाइज हो जाता है। अब चारों तरफ पानी के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे, हो हा झिंगा लाला हुर हुर, है ना। ये देखो जी, क्योंकि तू प्लस है और मैं, जल का सूत्र बताओ। मैं भी बताता हूं जल का सूत्र, HOH। किसी को एतराज तो नहीं है? किस पे प्लस और किस पे माइनस पता है कि मैं बताऊं? बस फिर मेरी क्या जरूरत है, अब तुम बताओगे प्लस के चारों तरफ कौन इकट्ठा हो जाएगा, वेरी गुड, और माइनस के चारों तरफ कौन इकट्ठा हो जाएगा। और अब ध्यान से देख के बताना, क्या ये HOH अणु था? जल्दी बोलो, यस और नो, बस। क्या ये जल का अणु है? हाँ। और क्या अणु बंध बना रहा है? ये बंध किसने समझाया? तो अणु के अंदर बंध मिलते हैं, ये वांडरवाल ने बताया। ये देखो जी आंखों के सामने, तू प्लस है और मैं माइनस हूं, ठीक है, तू भूखा है और मैं दानी हूं, तो तेरे और मेरे बीच में बंध जरूर होएगा, बिल्कुल होएगा, ठीक है। आज तू भूखा है किसका, केमिस्ट्री का, और मैं दानी हूं किसका, तभी तो तुम यहां बैठे हो, यस और नो, है ना। तो ये देखो जी बंध बन गया, मेरी टांट पे माइनस है, तुम्हारी टांट पे प्लस है, तभी मैंने तुम्हें अट्रैक्ट कर रखा है, अदरवाइज नहीं करता। जब तेरे पास होती ना पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री, अकबर ने बाबर की माँ को मारा के बाबर ने अकबर की माँ को मारा, है ना, तो तू मेरे कन्ने नहीं आता, मेरे को तो पता ही नहीं दोनों थे कौन, ठीक है जी, क्लियर बात है। तो चार्ज होगा तो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा तो बॉन्ड बनेगा, यस और नो। लेकिन ये डैश डैश क्यों है? दुर्बल है। तो वांडरवाल बंध कैसे होते हैं? वीक बॉन्ड होते हैं। कर लोगे ये बात आप लोग? चलो जी, अब ये बना आयन के बीच में और द्विध्रुव के बीच में।
कितनों को आयन नहीं दिख रहे, दिख रहे हैं क्या आयन? इसलिए इसका नाम है आयन द्विध्रुव। क्या नाम है? ये रहा आयन, ये रहा द्विध्रुव। इस बंद का नाम, ये थोड़ा सा गलत होगी डायरेक्शन, ये लो जी ये बंद आयन द्विध्रुव है। ठीक है जी। दूसरा नाम लिखने से पहले ही बता दोगे सर जी, अब तो आप साइड में हो जाओ, अब हम भूत हैं। द्विध्रुव द्विध्रुव वाटरवाल बंद, बताऊं या समझ आ गया? बोला करो बस, समझ आ गया या मेरी जरूरत है? इंग्लिश में बोलो बोलो, डाइपोल डाइपोल वांडरवाल बूंद। हाँ, ये किसके बीच में बनेगा? तू भी डाइपोल मैं भी। एक साल पेपर में सवाल आया था, आधों की बोलती बंद होगी, भाप के अणुओं के मध्य कौन सा वांडरवाल बंद होता है, और मुंह बंद हो गया। आधों को तो बाप समझ ही नहीं आ रहा, बाप कहां से बंद बना रहा है भाई? बाप नहीं भाप, क्या होती है भाप? हाँ स्टीम, स्टीम क्या होता है? हाँ स्टीम क्या होता है? भाप क्या होती है? सर मेरे को स्टीम का सूत्र नहीं आता, आधों को आता ही नहीं है स्टीम का सूत्र। कहां से बनती है स्टीम? जल से। तो सूत्र क्या हुआ? तेरे और मेरे बीच में कौन सा बंद होएगा, आइडिया लगा लो। तू भी द्विध्रुव और मैं भी, ये वाला बंद होएगा। खोपड़ी चल गई कि नहीं चल गई? तो अगर मैं इधर बुला लाऊं किसको, HCl को, और इधर बुला लूं Cl और H को, इधर बुला लूं HCl को और इधर क्या बुला लूं, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, बताऊं या समझ आ गया? H पे प्लस, Cl पे माइनस, Cl पे प्लस, H पे प्लस, Cl पे माइनस, Cl पे प्लस, H पे। लो जी जोड़ दो इनको जल्दी बोलो, HCl 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 HCl, पर तू भी द्विध्रुव और मैं भी, कौन सा बॉन्ड बन गया? दो मिनट की बात थी। अब तीसरे नंबर पे क्या आ गया, थर्ड, आयन प्रेरित आयन द्विध्रुव। इंग्लिश में बोलते हैं आयन इंड्यूस डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल वांडरवाल बॉन्ड। ये लो जी, प्रेरित किसको करना पड़ता है? एक बच्चा जो फुल पढ़ता है, नंबर 100 में से 100 आते हैं, उसे प्रेरित करना पड़ेगा जा पढ़ ले, है ना। कल को मान लो फुल पढ़ने वाला जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, उसके पापा कह दे, है ना, या मम्मी कह दे, भाई पढ़ लिया कर कभी, है ना, अगला भी पागल हो जाएगा ना, दिमाग खराब हो थारो है, और के फर्स्ट के ऊपर छलांग मार जाऊं है। ऑब्वियस है, प्रेरित किसको करना पड़ता है? जो जो काम ना करे। तो हम किसी को प्रेरित कर रहे हैं क्या बनने के लिए? कि तू द्विध्रुव बन जा, इसका मतलब वो द्विध्रुव नहीं है। कैसा है वो? कैसा है वो? हाँ बिल्कुल, हम प्रेरित करते हैं, कोई फिल्म देख आए है ना, बढ़िया सी, बड़ी जल्दी प्रेरित करते हैं, भाई जरूर देख के आइयो, क्या मस्त फिल्म है, यस और नो? क्या मस्त फाइटिंग हुई है, क्या मस्त कॉमेडी है ना, हीरोइन ने डांस भी बड़ा मस्त किया है ना, ये प्रेरणा होती है, देख के जरूर आइयो, है ना, बाहुबली टाइप की फिल्म है ना। लेकिन अब असली बात क्या है? असली बात यही है, प्रेरणा देनी किसको पड़ती है? जो वो काम। तो मैं कह रहा हूं कि क्या ये द्विध्रुव है? क्या ये द्विध्रुव है? नो, इसको दे रहे हैं प्रेरणा ताकि तू क्या बन जाए, इतनी सी बात है। लेकिन प्रेरणा दे कौन रहा है? आयन दे रहा है। तो ये किस किस के बीच में बनेगा? हाँ जी बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ जी बोलो, फटाफट बोलो, क्लास चल रही है। किसको? हाँ आ जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ भेज देना आज, ओके। तो अब मेरे पास क्या है कि सर यहां पे आ गया आयन प्रेरित द्विध्रुव, मेरा काम खत्म हो गया। अब आयन होगा एक तो, और दूसरा जिसको हम प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरित हमेशा किसको किया जाएगा? अद्विध्रुवीय। किस किस के बीच में बनवानेगा? एक जना आयन और दूसरा, बस खत्म हो गई यार बात। अब मैं दिखा देता हूं कहानी सारी की सारी। ये है Cl नेगेटिव और ये है हाइड्रोजन, यस और नो? बिल्कुल सिंपल सी बात है, तू भी हाइड्रोजन है, मैं भी हाइड्रोजन हूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भाई भाई, और भाई भाई में क्या होता है? प्यार होता है कि लड़ाई होती है? प्यार होता है। हाँ तू है मेरा भाई, है ना, ये नाम बोलती फीलिंग आ जाती, भाई है मेरा, है ना, तो प्यार होता है, यस और नो? जिनमें प्यार है उनमें लड़ाई होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों लड़ाई होगी? प्यार है। तो दो भाई थे, दोनों प्यार से रहते थे, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहते थे, एक दिन वो आई, अब होगी लड़ाई, है ना, आंख मारे वो लड़की, आंख मारे, यस और नो? भाई बदल गया, है ना,
अब ये क्या कह रहा है, ये देख मेरे पास कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, लालच तो देगा कि नहीं देगा, बिन लात मारिया आजा मेरे करने आजा, ये सर नो, और ये उल्लू का पट्ठा लात मार भी देगा। और ये देखो जी, आज तक तुम कह रहे थे ये दुर्व्यय नहीं होता, ये तो अधुर्व्यय होता है, नॉर्मल सी बात है, तेरी मेरी लड़ाई नहीं हो रही थी क्योंकि तेरी और मेरी ताकत बराबर थी, यस और नो? लेकिन अब मेरे पीछे ताकत है, मैं बंदे लेके चला गया, अब लड़ाई होगी कि नहीं होगी, मार साले को दो थप्पड़ है ना। तो ये फीलिंग समझ में आती है, हर बच्चे को समझ में आती है। अब एक पे आ गया प्लस और एक पे क्या हो गया, अब ये असमान हो गए। जैसे असमान होएंगे बंद बन जाएगा, जैसे तू प्लस है और मैं, लेकिन किसने प्रेरणा दी, किसको दी कि तू क्या बन जा, तो आयन ने प्रेरणा दी, क्या दी, किसको, अधुर्व्यय को, कि तू क्या बन जा, द्विध्रुव बन जा, समझ आ गया। तो अब इस तरीके से ये बात आपको याद होनी चाहिए कि ये बनते किस किस के बीच में। तो मैं पूछूंगा आयन प्रेरित किसके बीच में बनता है, तो आयन और अधुर्व्यय के बीच में, ठीक है, डन है ये बात। लो जी ज्यादा है तो लो जी तुम्हारे लिए फिर लिख देता हूं। अब अगला तुम खुद बता दोगे क्योंकि वो उसी से जुड़ा हुआ है। अब आप बताओ डाइपोल, नहीं हिंदी में द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, द्विध्रुव हाँ प्रेरित द्विध्रुव, अब कौन किसको प्रेरित कर रहा है, इस बार आयन की जगह कौन आ गया, ये किसको प्रेरित करेगा, देखो है ना कितने गलत हो तुम लोग, देख लिया तुम लोगों को, भाई मैं द्विध्रुव को क्यों प्रेरित कर रहा हूं, ये तेरा बच्चा पहले ही पढ़ रहा है ना, और तू कह देगा पढ़ ले वो तेरे थाप भी मार देगा, कलयुग आने वाला है क्या, बापू पागल हो गए ओके, हाँ सिलेक्शन हो गया मेरे आरएस में, हाँ और तू क्या कह रहा है पढ़ ले, दिमाग खराब हो गया सठे आ गया तू बुड्ढे, हाँ ये तुम्हारा तुम्हारे को कहने वाली है, तुम्हारी बातें बताता हूँ पहले। द्विध्रुव प्रेरित, हाँ द्विध्रुव किसी को द्विध्रुव बनने के लिए कह रहा है, लेकिन प्रेरित हमेशा किसको किया जाएगा, तो ये लो जी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, यस और नो? तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वंडरवाल बॉन्ड, ये लो जी वंडरवाल बॉन्ड तो तुम लिख ही लोगे। इस बार सामने वाला बंदा अधुर्वीय है, यस और नो बोलते जाओ। लो जी फिर से वही बात, सीएल और सीएल दो भाई थे, कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन पड़ोस में एक बंदा आ गया HCl जो क्या था, हाँ जी दिख रहा है आपको ध्रुवीय है, साफ दिख रहा है, हम चाहते हैं कि सामने वाला भी हमारे जैसा ही बन जाए, यस और नो? हम रूलपट है, पढ़ते नहीं है, तो हम क्या चाहते हैं, मेरी सहेली भी ना पढ़े, ये भी रूलपट बन जाए, है ना, नलायक बन जाए, और हम पढ़ने वाले हैं तो हम क्या चाहेंगे, हमारा दोस्त भी, जे मैं बिंगा तो वो गोल कैसे, है ना, चल तू भी बिंगा हो जाए, सर नो? ये H प्लस पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन मांगने, और जब कोई प्लस तेरे पास आता है तो तेरे अंदर क्या आ जाती है, ताकत, क्योंकि वो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन तेरे, अभी तक मैं इसके इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा था, क्यों, क्योंकि तू भी Cl और मैं भी Cl, लेकिन अब क्यों खींच रहा हूं, तो अब सिंपल सा सवाल है, तू भी Cl और मैं भी, तू भी H और मैं Cl, अब देखो जी क्या आवेश आ गया, एक पे प्लस और एक पे, चलो यहां बनाना था सॉरी, तो ये बन गया जी सीएल सीएल, एक पे प्लस एक पे, और इस बार जो बंद बना वो किस किस के बीच में बना, पहले तो वो देखो आयन सॉरी द्विध्रुव किसके बीच में ना, और इधर कौन है, अधुर्वीय है, नॉन पोलर, इसे बोलते हैं द्विध्रुव प्रेरित, द्विध्रुव ने प्रेरित किया किसको, अधुर्वीय को, क्या बनने के लिए, मेरे जैसा बन जा, है ना, मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, ये सर नो? ये देखो जी मेरे जैसा बना दिया, बिल्कुल सेम टू सेम, तू भी सीएल और मैं भी सीएल, तेरे पे प्लस माइनस मेरे पे भी प्लस, ये बात होती है। पर ये अधुर्वीय को किसने द्विध्रुव बनाया, तो आंसर क्या है, द्विध्रुव ने, इसलिए नाम क्या पड़ गया। अब मुझे सिर्फ चार ही बॉन्ड पढ़ाए मैंने, पांचवा नहीं पढ़ा रहा अभी, चार की रिविजन करो, आयन द्विध्रुव कब होगा, जब एक बंदा आयन और दूसरा बंदा द्विध्रुव या डाइपोल, डाइपोल डाइपोल कब होगा, जब दोनों डाइपोल, आयन प्रेरित डाइपोल कब होगा, एक आयन और एक, और द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव कब होगा। लेकिन इन चारों बॉन्ड में एक बात देखो, ध्यान से देखो एक बात, इन चारों में दोनों में से कम एक की टांट पे चार्ज जरूर है, या तो दोनों पे ही है, तेरे पे भी और
यहां पर भी दोनों पे ही है, तेरे पे भी और यहां पर एक पे और दूसरे पे, यहां पे नहीं है और दूसरे पे एक के पास तो है ना कम से कम। पांचवें नंबर पे वांडरवाल ने जो बंद बताया था ना, वो वांडरवाल ने नहीं बताया था, खतरनाक बात। पांचवा बंद किसने बताया? लंदन ने, फ्रिज लंदन, उसने अपने नाम पे रख दिया लंदन बल। लेकिन मैंने पूछा लंदन तू किसके बीच में बंद बता रहा है, तो जवाब क्या बोला? अणुओं के बीच में। चल भाग जा साले, कौन सा बंद है ये? तो पांचवा बंद वांडरवाल ने नहीं बताया, लेकिन वो बंद अभी भी क्या गिना जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले वांडरवाल ये बोल के गया था कि अणुओं के बीच में क्या होते हैं, जो आज तक किसी ने नहीं बताए। हर कोई ये बता के चला गया अणु तो स्थाई होते हैं, अणु तो स्थाई होते हैं, लेकिन इसने बोला नहीं अणुओं के बीच में भी बंद। तो पांचवा बंद वांडरवाल ने बताया, लेकिन लंदन ने क्या पूछा आकर के? लंदन कहता है सर इधर भी अद्रव्य है और इधर भी, अब क्या बंद बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? आवेश के लिए कम से कम एक की डांट पे क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस। अब मैं भी न्यूट्रल तू भी, तो क्या बंद बनेगा? वांडरवाल कहता नहीं बनेगा, लेकिन लंदन क्या बोला? इसलिए पांचवा बंद किसके बीच में है? अद्रव्य और कैसे बनता है वो मैं दिखा देता हूं, ठीक है जी। बाकी आप लोगों को समझना है, मुझे ये नहीं पढ़ना कैसे बनेगा, कैसे तो मैं तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं कि कैसे बनेगा बता भाई, है ना, क्योंकि समस्या तो तुम्हारी है कि तुम्हें हर चीज समझ नहीं होती है कि सर मुझे समझा दो, रट्टा नहीं मारूंगा मैं। तो कैसे तो मैं समझा देता हूं कि तू भी है अद्रव्य और मैं भी है अद्रव्य है। तो क्या अगर आज मैं किसी भी अणु की बात करूं, तो क्या किसी भी कंडीशन में अणु की ऊर्जा जीरो हो सकती है? बस इस बात का जवाब दो, किसी भी अणु की ऊर्जा जीरो हो सकती है कि नहीं हो सकती? यस और नो, तुम्हारी ऊर्जा जीरो कब हो जाती है? बोलो बोलो, तुम अधिकतम स्थाई कब हो जाओगे? जब पूरे दिन में, बताओ, बोलो 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 बोलो, जब सो जाएंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं धीरे धीरे मरी आवाज में, बिल्कुल सोने के टाइम हमारी ऊर्जा जीरो हो जाती है क्या? यस और नो, हृदय धड़कना बंद हो जाता है? सुबह उठ के फिर हम ऑन कर लेते हैं? बस फिर अणु की ऊर्जा कभी भी जीरो नहीं, क्योंकि अणु तो क्रिया करेगा ही करेगा, चाहे वो कोई भी अणु क्यों ना हो। क्या क्लोरीन क्रिया नहीं करता? करता है। तो अब तीसरा, पांचवा और लास्ट बल जिसका नाम है लंदन बल, इंग्लिश में लंदन फोर्स, दूसरा नाम होता है परिक्षेपण, परिक्षेपण बल, ठीक है जी। और इंग्लिश में भी यही नाम दे देते हैं इनके, लंदन फोर्स, ठीक है जी, और डिस्पर्जन फोर्स। और याद क्या रखना है, ये बनता किसके बीच में है? हाँ जी, अद्रव्य के बीच में। हमने कहा किसी भी अणु के पास, चाहे वो अद्रव्य ही क्यों ना हो, कभी भी जीरो एनर्जी नहीं होती, क्योंकि क्रिया तो करेंगे ही करेंगे। जब तेरे पास ऊर्जा है, थोड़ी सी है चाहे ज्यादा सी है ना, है तो सही, तो आप अपनी ऊर्जा का आसमान वितरण कर देते हैं। तो अगर मुझे कहीं से बाहर से और ऊर्जा मिल गई, तो मैं क्या हो जाऊंगा? जल्दी बोलो, आवेशित। एक पे प्लस और एक पे माइनस। और अगर मैं हो गया आवेशित, तो मैं तुझे भी क्या कर दूंगा? बोल, हाँ, यानी कि तेरे को द्विध्रुव बना दूंगा। तो इस बार ये ऑटोमेटिकली अपने आप क्या बन गए? द्विध्रुव। चाहे वो सूर्य ऊर्जा से बन गए, चाहे वो किसी गतिज ऊर्जा से बन गए, चाहे वो रिएक्शन की ऊर्जा से बन गए, पर बन गए, क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो बंध टूटते हैं। यस और नो? और बंध के टूटने के बाद आवेश आता है। क्या ये आवेश आ गया? तो इतना मुझे नहीं याद रखना, इसको बोलते हैं नल पॉइंट एनर्जी, शून्य बिंदु या शून्य विक्षेप ऊर्जा। मुझे तो सिर्फ ये याद रखना है कि लंदन फोर्स किसके बीच में बनते हैं। मेरा पेपर का सवाल तो ये है, किसके बीच में बनते हैं? बस, और मुझे कुछ याद नहीं रखना। पेपर में सवाल क्या आएंगे वो मैं लिख देता हूं। निम्न में कौन सा वांडरवाल बंद होगा? ये लो जी, और आपको बताना है 1 2 3, निम्न में कौन सा वांडरवाल बंद होगा, जिसमें से एक क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं। चलो जी, पहला, इथीन और ब्रोमीन के मध्य, आदों की पीपनी बच जाएगी यहीं पे, बस कौन सा बंद होएगा? कितने बंद पड़ाए? सिर्फ ये देखना है जिन दो की बातें कर रहा हूं वो है कैसे।
इन दोनों में से कोई आयन है? हा ना बोलना सिर्फ। इन दोनों में से कोई आयन है? नहीं है। कहां दिख रहा है आयन? मुझे तो नहीं दिख रहा, तुझे दिख रहा तो तू बता दे। कोई भी आयन नहीं ना, वन नंबर वाला हाँ ना थ्री नंबर वाला, दो कट हो गए। आयन द्विध्रुव और आयन प्रेरित वो दोनों कट हो गए। अब चेक करो Br2 क्या है, नॉन पोलर या पोलर, बस इतना बता दो। सारे बच्चे बोलेंगे और जो नहीं बोल पा रहे उनको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी चाहिए। मैं पूछ रहा हूं Br2 कौन है, पोलर या नॉन पोलर? हाँ बोलो ना, फिर बोलो, फिर नॉन पोलर। हेलो जी लिख देता हूं नॉन पोलर। ये कौन है, पोलर या नॉन पोलर? सारे बच्चे नॉन पोलर। क्यों? इधर भी CH2 और इधर भी CH2। तू है मेरा भाई, तू है मेरा भाई। अब कौन सा बंद होएगा, तू भी नॉन पोलर मैं भी नॉन पोलर? बस में आंसर आंखों के आगे, पर इसमें पिंपणी बच जाती है लोगों की, और बच गई होगी आधों की तो। आधे ऐसे बैठे हैं बड़ी आंखें करके, भाई क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। हाँ ऐसे बैठे कई जने, जबकि कुछ नहीं कर रहा। तू भी Br और मैं भी Br, क्या चार्ज आएगा? नहीं है, ए ध्रुवीय है। तू भी CH2 मैं भी CH2, क्या चार्ज आएगा? Yes, और अभी बताया ए ध्रुवीय ए ध्रुवीय के बीच में कौन सा बन बनता है? लंदन बन। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा क्वेश्चन, घर जाके करना। दूसरा क्वेश्चन है Br प्लस व CH2 डबल बॉन्ड CH2 के मध्य, घर जाके देखना, मैं नहीं बता रहा। तीसरे नंबर पे है हाँ जी जल व Br2 के मध्य, ठीक है घर जाके करना है। चौथे नंबर पे भाप के अणुओं के मध्य, ये मैंने करा दिया, भाप के अणुओं के मध्य। और पांचवा है मेरे पास Br नेगेटिव व जल के मध्य। बिल्कुल 1 2 3 4 5 घर जाके लगाना। मैंने एक करवा दिया है और घर के लिए पूछने, चलो एक और डाल देता हूं। Br2 अणुओं के मध्य है, बिटवीन Br2, अगर नहीं होते तो कल जरूर बताना कि सर हमसे नहीं हुए। और इस चैप्टर का लास्ट है हाइड्रोजन बंद। जब हाइड्रोजन पहले तीन गुंडों के मध्य होता है, पहले तीन गुंडे कौन से? फोन, फोन के मध्य होता है, और जो वांडरवाल बंद बनाता है उन वांडरवाल बंद को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जब इधर भी गुंडा आ जाए और इधर भी, और गाना चल जाए रजिया गुंडों में फंस गई, यस और नो? और वो रजिया कौन है? हाइड्रोजन। तो उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंद। दिखाऊं, इधर भी एच एफ, इधर भी एच एफ, इधर भी एच एफ और इधर भी, दिख रहा है किसके बीच में रजिया फंसी हुई दिख रही है? देखो बोल नहीं पा रहे, फ्लोरीन के बीच में, यस और नो? इधर भी गुंडा और इधर भी, और रजिया बीच में, दिख रहा है? इसे हाइड्रोजन बंद कहते हैं। और दिखा दूं, एच ओ एच, एच ओ एच, एच ओ एच, क्या होता है एच ओ एच? पानी होता है, थैंक यू। और रजिया दिख रही है क्या, दिखाऊं? बस फिर इसे हाइड्रोजन बंद कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। फर्स्ट अंतराणुक, पहला क्या है इंग्लिश में? इंटरमोलिक्यूलर। और इंटरमोलिक्यूलर एच बंद कौन सा होता है? हाँ जो दो अणुओं के मध्य बनता है। कितने अणुओं के? जो दो अणुओं के मध्य बनता हो, चाहे वे समान है या अलग अलग हैं, चाहे वे समान हैं या अलग अलग हैं। सवाल समझ आया? कितने अणु होने चाहिए? इंटरनेशनल मैच चल रहा था कल, कितनी टीमों के बीच में? लंका और भारत, कितनी टीमें होनी चाहिए? तो इंटर के लिए दो चीजें होनी चाहिए, चाहे वो इंटर स्टेट हो, चाहे वो इंटर कंट्री हो, चाहे वो इंटर हाँ जी नेशनल हो, यस सर नो? बस इंटर स्टेट का मतलब दो स्टेट में। एच एफ के कितने अणु दिख रहे हैं? दो के बीच में। उदाहरण ऊपर वाले, एक लिख देता हूं बिल्कुल। ओ यार बच गया, टूट जाती है। एच एफ, फिर एच एफ, फिर एच एफ
और फिर एच एफ, ये लो जी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि एफ पे क्या होता है माइनस और एच पे क्या होता है। अलग अलग और दिखा दूं, अल्कोहल और पानी, क्या दारू पानी में घुल जाती है? हाँ पैग बनते हैं भैया हमें पता है, हाँ आई नो दैट, है ना, नहीं घुलनी चाहिए थी, क्योंकि केमिस्ट्री का एक नियम है कार्बन पानी का दुश्मन, क्या नियम है? हाँ जब मैंने एथेनॉल से पूछा क्या तेरे अंदर कार्बन है तो कहते हाँ, तो फिर ये नियम तो गलत हो गया, सर बोल रहे हैं कार्बन पानी का, लेकिन कार्बन तो पानी में घुल रहा है, यहाँ दारू तो घुलती है, उसका रीजन क्या होता है? तो मैंने दारू से पूछा तेरे पास कार्बन है तो हम नहीं घोलेंगे, तो दारू क्या कहती है? कार्बन के साथ साथ ओ एच भी है, ओ पे प्लस और एच पे, जो भी ओ पे माइनस और एच पे। ये लो जी एक और दिखा देता हूं, एच ओ आर, एच ओ एच, एच ओ आर, एच ओ एच, तो क्या हाइड्रोजन बंद का फायदा हो रहा है कुछ? जो चीज नहीं घुलने वाली थी वो घुल गई, ये दोनों इंटरमोलिक्यूलर है, दो एच एफ एच एफ में, और देखो दारू और पानी, दारू और चाय अणु एक जैसे हो चाहे, लेकिन होने कितने चाहिए? दो के बीच में बना हुआ बंद बराबर, डन है। फिर दूसरा कौन सा होएगा? आइडिया लगा लो फिर, मेरी क्या जरूरत है, जो कितनों के बीच में बने? एक के बीच में बने, उसे बोलते हैं अंतः अणुक, क्या बोलते हैं हिंदी में? अंतः, अंतः आत्मा से आवाज आई, अंतः करण से, अंतः करण से आवाज आना मतलब कहां से आवाज आना? अंदर से, अपने मन से आवाज आना। अब मन अपना ही आवाज देगा, ये थोड़ी ना पड़ोसियों के मन से आवाज आ रही है ना, मुझे उसके मन से आवाज आई, अंतः मन किसका है? और मैं अकेला ही हूं, यस सर रो, तो अंतः अणुक एच बंद, और इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रा मोलिक्यूलर, क्या हो जाएगा? वो इंटर है, ये इंट्रा है, और इंट्रा मोलिक्यूलर एच बंद जो एक ही अणु के मध्य बने, एक ही के मध्य बनता है, समझ आ गया? चलो मिलवाता हूं, कितनों को बेंजीन याद है ये बताओ, शाबाश, क्या सूत्र होता है बेंजीन का? बेंजीन की टांट पे अगर OH लगा दें तो वो क्या बन जाता है? हाँ जोर से बोल दो जिसको याद है, फिनोल, क्या बन गया ये? और फिनोल के अंदर जो साथ वाली पोजीशन होती है वो होती है ऑर्थो, आगे पढ़ाऊंगा, ऑर्थो मेटा और पैरा, तीन पोजीशन होती है, पड़ोसी पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, ओ से दिखाते हैं इसको, यहां बैठा हुआ है NO2, कौन बैठा हुआ है? एच पे बोलो, ओ पे बोलो, क्या बंद बन जाएगा? जे तू प्लस है और मैं और हम सामने आमने बैठे हैं, ये सर नो, बंद बन जाएगा, पर साफ दिख रहा है कितनों के बीच में बना हुआ है? एक के बीच में, तुझे दो दिख रहे हैं वो तेरी आंखों का दोष है, अणु कितने हैं? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, कहता है गुरुजी मैंने दूसरे बंदे को बुलाया ही नहीं, तो मैंने कहा ये बंद कैसे बन गया? कहता एक हाथ मेरा ऐसे था जिस पे एच बैठा था, एक हाथ मेरा ऐसे था जिस पे ओ बैठा था, इन्होंने बीच में क्या बना लिया? बंद बना लिया, यस और नो? एक ही अणु के बीच में बन रहा है ये इतने बड़े में, यहां तू एक एच एफ लाया फिर दूसरा एच एफ लाया, क्या इसी के जैसा और दिख रहा है कोई? जवाब है नहीं दिख रहा, ये होता है अंत अणुक एच बंद। पर एच बंद से फायदे क्या हैं वो सुनो, फायदे मतलब अनुप्रयोग बिल्कुल पता होने चाहिए, एच बंद के एडवांटेज या अनुप्रयोग या फायदे, ठीक है जी, एडवांटेजेस, ये लो जी, जिनमें एच बंद होता है वो लगातार एक से जुड़ गया, दो दो से जुड़ गया, तीन तीन से जुड़ गया, चार चार से जुड़ गया, पांच पांच से जुड़ गया, छह छह से जुड़ गया, अब जब मैं पूरे सात गली में पूरे लोगों से सबसे जुड़ा हुआ हूं मेरी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा या कम? बिल्कुल ज्यादा, क्यों? जे कल को कोई चोर चार आ जाए और मैं फोन मार दूं पड़ोसियों को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे लठ ले आएंगे, यस और नो? है ना, जैसे गांव में होता है पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं डाकू आ गए, यस और नो? और जब तेरी पूरे गांव से बनती तो क्या होगा? बाजे आएंगे ना, और राजू कह रहे डाकू आ गए भाई जी बाजो चलो चलो चलो, है ना, और जब तेरी बनती नहीं तो गांव वालों से हाँ बिल्कुल ले जान दो साड़ो सड़ो, बात तो करे को नहीं, है ना,
है ना, ले जाने दे जो ले जाता है ना, उठाने दे राजू की लुगाई को, उठाने दे हमारे को, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्लियर कट बात है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, यस और नो? तो एच बंद के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, अवथनांक बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पे जल में विलेयता, किसमें विलेयता, जल के अंदर सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है, जो नहीं घुलते वो भी घुलना स्टार्ट हो जाते हैं, जल में विलेयता बढ़ जाती है। यस और नो बोलते जाओ, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन बंद की वजह से सोल्युबिलिटी, वैसे मेन तो ये दो ही है जो आगे बार बार पढ़ाने हैं। तीसरे नंबर पे एसिडिक नेचर पे भी फर्क पड़ता है, कौन होता है अम्लीय, जो एच देगा या जो एच नहीं देगा। हाँ, दिमाग लगाओ, एचएफ प्रबल अम्लीय होना चाहिए कि एचसीएल प्रबल अम्लीय होना चाहिए कि एचबीआर प्रबल अम्लीय होना चाहिए। हाँ, तीनों में तुमने तो सिर्फ यही सुना हुआ है, क्यों, क्योंकि पता ही है एचसीएल में सीएल गुंडा है, एच के मारेगा थाप और इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। इतने में ऊपर से आवाज क्या आई, हाँ मैं बिंगो भी बाप हूं, ये सर नो। अब किस में से जल्दी एच निकलेगा, इधर से या नीचे वाले में से, ऊपर वाले में से, बिल्कुल। आंसर क्या है, क्योंकि यहां तो रजिया, हाँ गुंडों के बीच में, क्या यहां एच निकल जाएगा, अम्लीयता पे प्रभाव पड़ता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। पर आप ये दो जरूर पढ़ना, ये दो बातें जरूर याद रखना, कर लोगे इतनी बातें, ये अपना चैप्टर मम हो गया। अब ये टोटल मिलाकर के चैप्टर है जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है जी। इसमें यहां तक क्वेश्चन बनते हैं, कोई एक आधी एक्स्ट्रा बनेगा तो ऑब्वियस बात है वो आगे कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक में हो जाएगा। ये दोनों बातें मुझे ऑर्गेनिक में चाहिए थी, लेकिन अब मेरे को ये बता दो जी, हाइड्रोजन बंद किस किस के बीच में बनता है, हाइड्रोजन के बीच में बनेगा ही बनेगा, ऑब्वियस है, नाम ही क्या है, लेकिन कब बनेगा, जब वो पहले तीन गुंडों के बीच में होगा। फोन के साथ हाइड्रोजन बंद, हाँ जी बनता है, सीएल के साथ हाइड्रोजन बंद, क्योंकि सीएल की विद्युत ऋणता थोड़ी सी क्या होती है। इज इट क्लियर?